हेलो दोस्तों, आर्किटेक्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि एक चाइना टीवी का एक कलर का प्रॉब्लम आया है। देखिए स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, इस तरह का एक प्रॉब्लम आया है। तो आज मैं इस वीडियो में इस प्रॉब्लम को सही ठीक करके दिखाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। और अगर मेरे चैनल में नया है तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, ठीक है, ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज इस टीवी का जो प्रॉब्लम है इसमें देखिए कलर ठीक से नहीं आ रहा है, ठीक है। आज हम इसको ठीक करके दिखाएंगे। ये देखिए कभी कभी इस तरह का कलर आ जाता है, ग्रीन कलर, अभी ग्रीन कलर आया है, ठीक है। तो इसको मैं आज ठीक करके दिखाऊंगा। तो चलिए टीवी के पीछे साइड में जाते हैं। ये रहा इसका सर्किट बोर्ड और ये इसका बेस बोर्ड। अभी इसका हम सर्किट में वोल्टेज चेक करके दिखेंगे कहाँ पर कितना वोल्टेज है, ठीक है। उसके बाद इसको इसका फॉल्ट कहाँ से है उसको ठीक करेंगे, ठीक है। दोस्तों टीवी पे लाइन देके हम वोल्टेज को चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए स्विच को मैंने ऑन कर दिया है और यहाँ पर हमारा इंडिकेटर है और ये हो गया रिमोट। इसको हम ए बी मोड पे स्विचिंग कर लेते हैं, ठीक है। और ये देखिए स्क्रीन पे देखिए लाइट आ गया है और कलर हमारा सही नहीं है, ठीक है। तो ये है नेगेटिव, मैंने नेगेटिव को मैंने ग्राउंड कर दिया है मल्टीमीटर का। इसको 200 रेंज पे सेट कर लेते हैं। और दूसरा पोरअप से हम वोल्टेज को चेक करेंगे। दोस्तों इसका जो आउटपुट वोल्टेज है उसको हम चेक कर लेते हैं आप मल्टीमीटर पे, और मेरा मैं जहाँ पे पोरअप लगा रहा हूँ इस पर हम आप ध्यान दीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए 85 वोल्ट दिखा रहा है, मतलब वोल्टेज थोड़ा सा डाउन है, ठीक है। और यहाँ पे 25 के जगह पर 21 वोल्ट है। और यहाँ पे 11 वोल्ट है, वो सही है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर जो बेस वोल्ट पे इसका आउटपुट देखते हैं, 180 वोल्ट कितना है देख लेते हैं। यहाँ पर वन फोर्टी सेवन, ठीक है, मतलब आउटपुट हो रहा है। और इसका बेस बोर्ड पे हम देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए हम यहाँ पे 180 वोल्ट चेक कर लेते हैं इसका बेस बोर्ड पे। यहाँ पे 147 दिखा रहा है क्योंकि हमारा 110 वोल्ट ड्रॉप है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हीटर वोल्टेज, यहाँ पे एसी रेंज भी आ गया, और यहाँ पे आरजीबी का वोल्टेज चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए वोल्टेज अप डाउन हो रहा है, ये देखिए वोल्टेज अप डाउन हो रहा है, ठीक है। ये ब्लू कैथोड का वोल्टेज है और ये रेड कैथोड का वोल्टेज है, ये भी 40 वोल्ट दिखा रहा है। और ये ग्रीन कैथोड का वोल्टेज है, ये भी 40 वोल्ट दिखा रहा है, ठीक है। तो दोस्तों अभी हमको इसका जो 110 वोल्ट है इसको हमें ठीक करना पड़ेगा। अभी देखिए दोस्तों हमने 110 वोल्ट जो था उसको हमने सही कर दिया है। अभी हमारा 110 वोल्ट बराबर आउट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 110 12 वोल्ट दिखा रहा है और यहाँ पर 27 वोल्ट 26 वोल्ट दिखा रहा है जो वर्टिकल में जाता है, ये देखिए, ठीक है, सही है। और उसके बाद अभी हम जो आरजीबी का वोल्टेज है उसको भी हम चेक कर लेते हैं। वीडियो थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है क्योंकि मैंने एक हाथ से मोबाइल को पकड़ा है और दूसरे हाथ से मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हम इसमें वोल्टेज को चेक करेंगे। ये देखिए इसमें आईके वोल्टेज 9 वोल्ट सही है। उसके बाद रेड कैथोड का वोल्टेज 3 पॉइंट, ये थोड़ा सा ज़्यादा है, और 2.78 ये भी थोड़ा सा ज़्यादा है।
यहाँ पर ये यह अभी RGB का वोल्टेज ज़्यादा है, इसलिए कलर हमारा सही से नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर वोल्टेज आपको 1.7 1.5 ये इतना तक होना चाहिए। और ठीक है, यहाँ से थोड़ा देखिए 3 वोल्ट के आसपास, 3 वोल्ट से ज़्यादा दिखा रहा है, इसीलिए हमारा जो कलर है वो ठीक नहीं है, ठीक से नहीं आ रहा है। ठीक है दोस्तों, और इसका वोल्टेज यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो यहाँ पर सिर्फ एक डायोड लगा गया है, IC से ये वोल्टेज आ रहा है एक डायोड होके। यहाँ पर डायोड जो है वो नेगेटिव के साथ शॉर्ट है यहाँ पर। ठीक है, अभी क्या करेंगे दोस्तों, अभी बेस बोर्ड का थोड़ा सा वोल्टेज चेक कर लेंगे, अभी सही से आ रहा है या नहीं। यहाँ पर 180 वोल्टेज आना चाहिए, यहाँ पर देखिए 190 वोल्टेज बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद ब्लू कैथोड पे कितना वोल्टेज है, यहाँ पर 114 वोल्टेज है, अभी सही है। रेड कैथोड पे 50 से ये थोड़ा सा डाउन है, ग्रीन कैथोड पे ये भी थोड़ा सा डाउन है, 66 वोल्टेज है। मतलब इस बोर्ड में हमारा कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। यहाँ पर देखिए बोर्ड में काफ़ी सारा काम करके रखा है किसी ने। ठीक है, तो मैं एक बार यहाँ पर एक दूसरा सर्किट बोर्ड, मतलब इस बेड बेस बोर्ड को मैं चेंज करके देख लेता हूँ। ठीक है, अभी दोस्तों दोस्तों ये दूसरा जो बेस बोर्ड है, इसको हम यहाँ पे लगा के देखते हैं। ठीक है, इसके लिए यहाँ पर देखिए इसका जो कनेक्शन है, यहाँ पर हम इसको कनेक्शन करेंगे और यहाँ पर लगा के इसे देखते हैं। ठीक है, उसके लिए पहले हमें ये जो वायर है इसको हमें खोल लेना पड़ेगा। यहाँ से खोल लेते हैं, इसको भी हटा लेते हैं। खोल लिया, इसको साइड कर देते हैं और इसमें लगा लेते हैं। इस तरह से, और दूसरा वायर को भी हम, फोकस का वायर को भी हम यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है, अभी इसको यहाँ पर लगा देते हैं और ये जो वायर है इसमें हम कनेक्शन कर देंगे। यहाँ से पहले हम मल्टीमीटर से चेक कर लेते हैं कौन सा वायर कहाँ पे लगेगा। ये देखिए, ये जो 3 वायर है इसमें से 18 वोल्ट कौन सा है और 180 वोल्ट कौन सा है वो हम चेक कर लेते हैं मल्टीमीटर से। ये वाला वायर हमें 180 वोल्ट में जोड़ना पड़ेगा। उसके बाद बीच का जो वायर है वो हीटर वोल्ट है, उसको मैं हीटर वोल्ट पे कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, और एक जो है वो ग्राउंड है, इसका कनेक्शन हो गया है। अभी दूसरा जो लाइन है इसको भी हम बारी बारी चेक करेंगे कौन सा क्या है। ठीक है, पहले इसको हम पकड़ लेते हैं और यहाँ पर ये देखिए कौन सा वायर है, ये पहला वाला, ये देख लेते हैं वो ग्राउंड है या नहीं। ग्राउंड के साथ अटैच करते हैं, ये ग्राउंड है तो इस वायर को हम ग्राउंड कर देते हैं पहले। इसमें ग्राउंड ये है, रेड कैथोड पे। उसके बाद हम इस तरह से लगा देंगे।
ये हमारा सारा वायर लग गया है। अभी हम इसको पावर देके चेक करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने इसको सीरीज रेंज पे डाल दिया, स्विच को ऑन कर दिया और टीवी हमारा चालू हो गया है। अभी स्क्रीन पे देखते हैं, ये देखिए। और अभी हम इसमें रिमोट से टीवी को ऑन करके देखता हूँ, पिक्चर देखे। ये देखिए बिल्कुल सही हो गया है अभी स्क्रीन हमारा, और पिक्चर भी आने लगा है, कलर भी ठीक से ठीक है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब क्या है दोस्तों, उस टीवी का जो बेस बोर्ड था उसमें खराब है। अभी हम इस बेस बोर्ड को चेंज कर दिए हैं, तो अभी हम टीवी को सही तरह से चला सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, टीवी को ऑफ कर देते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।